स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था कि कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। वो एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन जो एटम जो है वो लिंक्ड होता है विद द एसिडिक हाइड्रोजन एटम के संग, वो आपके ऑक्सो एसिड्स हो जाते हैं। ऑल दो जो एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है वो किससे बॉन्ड अप होगा? ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए आप इसको, ये एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए ऑक्सो एसिड्स का। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस में बॉन्ड स्ट्रेंथ की हेल्प से डिस्टिंग्विश करना सीखा था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा, और पोलैरिटी भी थी। इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं होगा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो डिटरमाइन करने में आपको हेल्प ही नहीं कर सकता ऑक्सो एसिड्स के केस में। तो इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन एटम के ऊपर का चार्ज। ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी हेल्प से आप दो ऑक्सो एसिड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। ठीक है, या फिर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पोलैरिटी और ऑक्सीजन एटम पे जो चार्ज है वो, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंस है किसी भी ग्रुप की, दिस मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप दैट कैन बी विड्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम वुड मेक द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन ईजियर। तो जो अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है वो विड्रॉ कर पा रहा है ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का रिमूवल बहुत आसान हो जाएगा। अब जब हाइड्रोजन एटम का रिमूवल आसान हो जाएगा वहीं पर वो एसिडिक कैरेक्टर उसका जो होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जितनी आसानी से हाइड्रोजन एटम निकलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड कहलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि HOCl, देखिए यहाँ पर O और हाइड्रोजन, तो जो HCl का हाइड्रोजन एटम है वो लिंक्ड किससे है या वो जॉइंट अटैच्ड किससे है? ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, इस चलिए बॉन्डेड है। एंड HOBr, अब इस केस में क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों के बीच में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो इट वुड मेक द ऑक्सीजन एटम रिलेटिवली मोर पॉजिटिव इन HOCl देन दैट ऑफ द HOBr। तो HOCl और HOBr के केस में क्लोरीन और ब्रोमीन का अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो विनो के क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई उस वजह से क्या होगा कि वो ऑक्सीजन एटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन एटम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही इतना होगा। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो 3.5 होता है ऑक्सीजन के लिए, और वहीं क्लोरीन के लिए 3.0 और ब्रोमीन के लिए 2.8। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में भी काफ़ी सिमिलर है। सो ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच का और ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का अगर हम कंपेरिजन करें तो क्लोरीन के केस में ऑक्सीजन को क्या होगा, बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्या करने में, उसको काफ़ी कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्लोरीन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करने में, जिस वजह से जो OH बॉन्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा पोलर हो जाएगा, एंड जितना ज़्यादा वो पोलर होगा उतनी आसानी से ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर पाएगा, मतलब प्रोटॉन्स या H पॉजिटिव आयन आसानी से रिलीज़ हो जाएंगे। जितनी आसानी से रिलीज़ होंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। तो HOCl जो होता है वो 12 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन HOBr। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है वो काफ़ी ईजीली क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है विद अ लेसर एक्सटेंट। ठीक है, बेसिक रीज़न यही है, और HOBr के केस में इतनी आसानी से वो ऑक्सीजन को पुल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से HOBr जो है ज़्यादा पोलर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड भी होगा, दिस इज़ द गुड कंसेप्ट। जैसे आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड है दैट इज़ HOCl, क्लोरस एसिड है जिसमें आपके पास दो ऑक्सीजन आते हैं, क्लोरिक एसिड है जिसमें आपके पास तीन ऑक्सीजन है, पर क्लोरिक एसिड जिसमें आपके पास चार ऑक्सीजन है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच टू द क्लोरीन इंक्रीजेस दीज पुल इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द क्लोरीन एटम एंड मेक्स इट्स मोर एंड मोर पॉजिटिव, दस इन टर्न मेक्स द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन ईच फ्रॉम ईच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑक्सीजन एटम। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे वो उतनी हेल्प कर पाएंगे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में। ठीक है, आपके जितने ज़्यादा दोस्त आपकी हेल्प कर पाएंगे किसी भी
चीज़ को खींचने में या टग ऑफ वॉर होती है। आप उसमें जब एक साइड पे ज़्यादा खिलाड़ी होंगे तो ऑब्वियसली वो वाली साइड जीतेगी ही जीतेगी। तो इसी केस में ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ज़्यादा पॉजिटिव होने की वजह से जो एच ओ बॉन्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, उतना ही ज़्यादा पोलर तो एच पॉजिटिव आराम से रिलीज हो जाएगा एंड हैंस इट विल हैव स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये देखिए ये वाला कंसेप्ट जो है ना इसके बेस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है आसानी से, और शायद से मोस्ट प्रोबेबली यही आ जाए, यही कंसेप्ट आ जाए कि एच सी एल ओ फोर एच सी एल ओ थ्री इन सब में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें ऐसा भी देख सकते हैं कि एक एच सी एल और मिला दें यहाँ पर, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको एच सी एल का भी कंसेप्ट ला के दे दें। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि जिसके पास जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे एच सी एल ओ फोर के पास ज़्यादा ऑक्सीजन है फोर, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ऑक्सो एसिड्स के केस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्ज और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से आप पता लगा सकते हो विच इज़ स्ट्रॉन्गर एंड विच इज़ वीकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।